ममता जैन एक आम भारतीय महिला है। दिल्ली के करीब गुड़गांव में अपने परिवार के साथ रहती है। 40 साल की कविता के दो बच्चे हैं और उनके पति एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। 27 साल तक वो बिल्कुल स्वस्थ रहीं, लेकिन 2002 में अपनी पहली प्रेगनेंसी के बाद डॉक्टर ने बताया कि उनको डायबिटीज है। अपनी दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान अपने शुगर को काबू में रखने के लिए उनको एक दिन में कई बार इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत पड़ती थी। कविता जैन भारत के सैकड़ों लोगों में से एक है जिनको डायबिटीज है। इससे उनको कई दिक्कतें हो सकती हैं, जिसमें दिल का दौरा और स्ट्रोक भी शामिल है। सब जानते हैं कि डायबिटीज चीनी की बीमारी है। आज हम समझाना चाहते हैं कि डायबिटीज क्यों और कैसे होता है। डॉक्टर्स ऑन कॉल में आपका स्वागत है। डायबिटीज तब होता है जब शरीर में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से ज्यादा होता है। जो मीठा हम खाते हैं उसे हमारा शरीर इस तरह से इस्तेमाल करता है कि उससे हमें ऊर्जा मिलती है। ये ऊर्जा हमें हर काम के लिए चाहिए, सांस लेने से लेकर दौड़ने भागने तक के लिए भी। हम जब खाना खाते हैं तो हमारा पेट और आंतें उसे ग्लूकोज में बदल देते हैं। ये ग्लूकोज इसके बाद हमारे खून में जाता है ताकि शरीर के हर सेल तक पहुंच सके। इस ग्लूकोज को अब्सॉर्ब करने के लिए हमें इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जो पैंक्रियाज में बनता है। ये इंसुलिन ही खून को सेल तक पहुंचाने का जरिया बनता है ताकि हमें ऊर्जा मिल सके। अगर आपको डायबिटीज है तो इसका मतलब ये है कि या तो आपका शरीर काफी इंसुलिन नहीं बना पा रहा या फिर आपका शरीर इंसुलिन को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। इसका नतीजा ये होता है कि आपके खून में बहुत ज्यादा शुगर हो जाता है, जिससे कि कई दिक्कतें हो सकती हैं। डायबिटीज दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज में आपका शरीर इंसुलिन बहुत ही कम बनाता है या नहीं बनाता है। इंसुलिन लेना ही इसका इलाज है। इस तरह का डायबिटीज बच्चों और युवाओं में काफी आम है। टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा आम है। इसमें आपका शरीर इंसुलिन का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। भारतीयों में मोटापे के बढ़ने और परिवार में किसी को पहले से डायबिटीज होने जैसी वजहों से टाइप 2 डायबिटीज की आशंका ज्यादा रहती है। इन दोनों ही मामलों में खून में ग्लूकोज बढ़ जाता है और अगर इस पर समय रहते काबू नहीं पाया गया तो बाद में गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। मेरे दोनों पेरेंट्स डायबिटिक हैं, तो जब मुझे बहुत थकान और प्यास लगने लगी तो मुझे पता लग गया कि कुछ ज़रूर गड़बड़ है। और उस समय मेरा वजन भी बहुत ज़्यादा था और मुझे अपने डाइट पे कोई कंट्रोल नहीं था। और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मुझे बताया गया कि मैं डायबिटिक हूँ और सीधे मुझे इंसुलिन और दवाइयों पर लगा दिया। अगर आपके माता पिता में से किसी एक को डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ होने के 20% चांस हैं, और अगर दोनों को डायबिटीज़ है तो वो रिस्क बढ़ के 50% हो जाती है। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको डायबिटीज़ है, तो वो डायबिटीज़ के कौन से लक्षण हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए? क्योंकि शरीर अतिरिक्त ग्लूकोज को बाहर करने की कोशिश करता है, आपको बार बार पेशाब जाना पड़ सकता है। ज़्यादा पेशाब होने की वजह से आपको डिहाइड्रेशन होती है और आपको ज़्यादा प्यास लगती है। वजन का अचानक से घट जाना, भूख का बढ़ जाना, थकान होना, हाथ पैर का सुन पड़ना, घाव का देर से ठीक होना। महिलाएं, खासतौर पर जिनके परिवार में पहले से डायबिटीज रहा हो, उन्हें प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो सकता है। मुझे डायबिटीज है, लेकिन अब मेरे शुगर लेवल्स एकदम कंट्रोल में हैं। मैं रोज एक्सरसाइज करती हूँ और मेरी डाइट अच्छी है। इस कारण अब मुझे इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती और मैं एक अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। डायबिटीज का जल्द पता लगाना और उसका इलाज कराना आपके आने वाले कल के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत लोग डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाते कि उन्हें डर है कि डॉक्टर उन्हें क्या बोल दे। लेकिन आज हमने देखा कैसे कविता जैन डायबिटीज के बावजूद एक अच्छी जिंदगी जी रही हैं। इसलिए अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है या आप में कोई भी वैसे लक्षण हैं जिनके बारे में हमने आज बात करी है, तो अपने डॉक्टर के पास जरूर जाइए और अपना जांच कराइए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई जानकारी के साथ।